दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी जिससे सुनकर आप दंग ना हुए तो कहना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रांजल पाटिल मैम के बारे में, जो बचपन से ही नेत्रहीन थी और लगातार दो प्रयासों के बाद वे यूपीएससी में 124वीं रैंक हासिल किया। प्रांजल मैम ने दो बार यूपीएससी परीक्षा में शामिल हुई, एक बार 2016 में जिसमें उनकी रैंक 744 थी और दूसरी बार 2017 में उनकी रैंक 124 थी। महाराष्ट्र के उल्लासनगर रहने वाली प्रांजल मैम ने महज 6 वर्ष में ही अपनी दृष्टि पूर्ण रूप से खो दी थी। अब हम बात करेंगे इनकी यूपीएससी जर्नी की, तो उन्होंने नेत्रहीन के लिए मुंबई के कमला मेहता स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा की और राजनीतिक विज्ञान से। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि प्रांजल मैम ने यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान एक भी कोचिंग नहीं लिया था। उन्होंने एक विशेष सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जो किताबों को जोर जोर से सुनाता था। भले ही उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी कान की क्षमता का पूरा फायदा उठाया। गाइस, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि इतनी मुश्किल होने के बावजूद मैम ने इतनी बड़ी एग्जाम को क्लियर किया और सहायक कलेक्टर बनी। यदि वो कर सकती हैं तो हम और आप क्यों नहीं? अपने आप से पूछो, बहाना बनाने वाले केवल बहाना बनाते रह जाएंगे और करके दिखाने वाले के पास कोई बहाना का नामो निशान नहीं होता। इसे याद रखना और अपने लक्ष्य में खो जाओ। गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद।